हेलो बच्चों, जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो जेई मेंस 2024 में पूछा गया था, अप्रैल 8 को, 8 अप्रैल को पूछा गया था। अप्रैल 8 2024 को शिफ्ट फर्स्ट में जेई मेंस में, ठीक है। जेई मेंस का 8 अप्रैल का शिफ्ट फर्स्ट का हम लोग पेपर डिस्कशन करने वाले हैं, उसके क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार उस क्वेश्चंस को आप रीड कर लो, क्या है। द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इन फॉलोइंग कंपाउंड, हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसके अंदर आपसे पूछ रहा है ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा। आप इस फिगर को ध्यान से देखो, ऑप्टिकल आइसोमर पहले क्या होता है, तो वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं, उस कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जनरली हम कैसे पहचानेंगे, तो अगर पहला रूल, अगर वो काइरल कंपाउंड होगा, उसके पास काइरल कंपाउंड का मतलब क्या होना चाहिए, काइरल कंपाउंड, काइरल कंपाउंड का मतलब होना चाहिए अगर उसके पास कार्बन है और वो कार्बन के चारों बैलेंसी अलग अलग एटम से फुलफिल हो रही है, अलग अलग एटम, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन है, यहाँ पे मान लो क्लोरीन है, यहाँ पे मान लो ब्रोमीन है, यहाँ पे मान लो आयोडीन है, इस तरह से अलग अलग एटम से फुलफिल हो रही है, तो उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं काइरल कार्बन। और अगर एक कंपाउंड है उसके अंदर काइरल कंपाउंड है, अगर वो काइरल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि एक से ज्यादा काइरल सेंटर हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, तो अगर कार्बन के अंदर एक से ज्यादा काइरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकता। उस केस में हम क्या करते हैं, अगर मोर देन, अगर एक काइरल सेंटर है तब तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसको हम लोग बोलते हैं काइरल सेंटर, काइरल सेंटर, तो अगर एक काइरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर मोर देन वन काइरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होना चाहिए, सिमेट्री, अगर उसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, आप इस कंपाउंड को, इस वाले कार्बन के पास हम एक एक कार्बन को लेके चलेंगे, इस वाले कार्बन को आप ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन को, 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 तो क्या होगा, इस वाले कार्बन को जो मैंने स्टार कर दिया है, आप उन कार्बन को देखो पहले, ये बेंजीन होता है, बेंजीन नहीं साइक्लोहेक्जेन है, तो साइक्लोहेक्जेन दो दो कार्बन से अटैच होता है, सॉरी दो दो हाइड्रोजन से अटैच होता है, इसका फुल स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, दो दो हाइड्रोजन से होगा, और वहीं बेंजीन होता है तो एक एक हाइड्रोजन होते हैं उसके पास, तो आप देखो इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, तो इधर दो हाइड्रोजन, इधर भी 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 दो हाइड्रोजन, यानी कि काइरल सेंटर तो नहीं रहा, ये काइरल सेंटर तो नहीं रहा जो मैंने लगाया है स्टार, क्यों, क्योंकि इनके पास एक जैसे एटम दो प्रेजेंट है, एक जैसे एटम क्या है, दो प्रेजेंट हो गए, इसकी वजह से वो क्या होगा, काइरल सेंटर नहीं हो पाएंगे। अब बात आती है मैं जो दूसरे कलर से करने वाला हूं, ब्लू कलर से, ब्लू कलर से, अब इस कंपाउंड को देखो, इस वाले को, इस वाले के पास एक इधर गया, ये पूरा ग्रुप हो गया, एक इधर गया, ये वाले पूरे ग्रुप हो गए, एक कार्बन ये आ गया, इधर वाला पूरा ग्रुप हो गया, एक बीआर हो गया, तो ये देखो इस कार्बन के चारों अलग अलग है, ये काइरल सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ब्रोमीन वाला आप सबको हटा दे रहे हैं, अब ध्यान से देखो, ये ब्रोमीन वाला क्या हो जाएगा, काइरल सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये मिथाइल वाला काइरल सेंटर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक अलग, एक अलग, ये अलग, और इसके पास एक हाइड्रोजन होगा,
यहाँ पे ये अलग ग्रुप था, यहाँ पे चारों वैलेंसी कंप्लीट हो चाहिए, हाइड्रोजन नहीं है लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। तो ये तो दो सेंटर तो दिख रहे हैं। अब बात आती है इस सेंटर को भी देखो, ये वाले को, एक इधर एक इधर, इधर ये पूरा ग्रुप, इधर ये पूरा ग्रुप, इधर ये और एक हाइड्रोजन, चारों अलग अलग काइरल सेंटर। अब इस वाले को देखो, इस वाले कार्बन को देखो आप, मैं ब्लू से ब्लैक से कर रहा हूँ, इस वाले को देखो, एक इधर एक इधर एक इधर, एक हाइड्रोजन, चारों अलग अलग ग्रुप। देखो इधर से जाओगे तो ये अलग ग्रुप दिख रहा है, इधर से ये देखो अलग अलग दिख रहा है, इधर देखो अलग अलग, सिमेट्री कुछ है ही नहीं, चार अलग। तो टोटल कितने काइरल सेंटर आ गए? चार। अब एक दो और देखो कहीं, एक ये हो गया, ये वाला देखो आप कितने हो गए, एक ये सेंटर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये भी होगा, होगा कि नहीं? एक दो इधर, तीन और ये चार, चार हो गया। तो हमारे पास टोटल कितने काइरल सेंटर बने? पांच काइरल सेंटर बने ये। अब इसके अलावा कुछ भी होगा आप, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, हर जगह दो दो हाइड्रोजन है। यही हमारे पास पांच है जहां पे क्या है। तो हमारे पास पांच काइरल सेंटर हो गया। पांच काइरल सेंटर का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ जी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू टू द पावर एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ काइरल सेंटर, नंबर ऑफ काइरल सेंटर। तो कितना काइरल सेंटर है? पांच। तो टू के पावर फाइव यानी कि 32 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाए। तो इसलिए तो 32 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। तो होप सो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप पहले कोई भी कंपाउंड देख, काइरल नंबर ऑफ काइरल पूछे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पूछे, तो आप उसमें काइरल सेंटर ढूंढो। काइरल सेंटर मिल जाए तो टू टू द पावर एन वाला फार्मूला लगा दो, आपको मिल जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर उसमें सिमेट्री दिख रही होती, देखो अगर यहाँ पे ब्रोमीन है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे ब्रोमीन होता इसके रेस्पेक्ट में, इस वाले के रेस्पेक्ट में, देखो सिमेट्री दिखने लग जाती, इसके रेस्पेक्ट में क्या दिखने लगता? सिमेट्री देखने लगता। तो उस केस में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होते और उसमें हमें ढूंढना पड़ता कि किसके रेस्पेक्ट में सिमेट्री नहीं दिख रही है, ठीक है? तो वहां पे हम लोग फिर से ढूंढते हैं कि किसके रेस्पेक्ट में सिमेट्री नहीं दिखती। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।